साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने बीएड करनी होती है, तो वो पूछते हैं सर टीचिंग ऑफ जहां पेडागोजी ऑफ साइंस और पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस में क्या डिफरेंस है, जहां पेडागोजी ऑफ साइंस एंड फिजिकल साइंस में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने पॉइंट पहले इस तरह बनाए थे लेकिन आपको इजी करके भी बताता हूं, थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन ये पॉइंट हाँ जरूरी है। पहली बात कि आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ा है, है ना, सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जहां आप हो सकता है मैथ्स बायो की जगह पढ़ी हो, मेडिकल नॉन मेडिकल का, तो केमिस्ट्री बन जाती है फिजिकल साइंस, ठीक, फिजिकल फिजिक्स भी बन जाती है सॉरी फिजिकल साइंस, और बायोलॉजी के साथ जो भी ब्रांच आपकी जुड़ी हुई है, कोई भी और ब्रांच भी जुड़ी हुई है ना, तो वो बन जाती है लाइफ साइंस। ये जो है शब्द यूज किए जाते हैं आपके ग्रेजुएशन में, ये जो तीन शब्द हैं ये यूज किए जाएंगे आपके पेडागोजी में, ठीक, तो इनसे ये ब्रांचेस निकलती हैं। दूसरी बात, आपने जब ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो पढ़े हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, है ना, तो उनमें स्टडी क्या करना है, कंटेंट स्टडी करते हो आप, मैथ्स के सम सॉल्व करते हो आप, साइंस के कंसेप्ट्स, साइंस के लॉज, थ्योरीज, मॉडल्स, उनको लर्न करते हो, उनके एग्जाम देते हो, है ना, तो ये रहा आपका ग्रेजुएशन का पार्ट। अब ये समझ लीजिए कि जब वो पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस, पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस बन गया, तो आपने वो कंटेंट लर्न नहीं करना, आपने क्या स्टडी करना है बीएड में कि मेथड्स क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग। इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको समझ आ जाए कि आपने बीएड में क्या क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ टीचिंग। जब ये मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं ना, जो टीचिंग की साइंस है, साइंस ऑफ टीचिंग को बोलते हैं पेडागोजी। तो अब आपने ये लर्न करना है कि यार जो प्रिंसिपल मैंने फिजिक्स बायो में यहां पर नॉलेज लर्न की है वो मैंने टीच कैसे करनी है, टीच, ये रहा टीचिंग, है ना, इट मींस मेथड ऑफ टीचिंग में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कहोगे जी प्रोजेक्ट मेथड है, 5E अप्रोच है, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, लेबोरेटरी अप्रोच है, तो यार क्या क्या बच्चे को कैसे इजी किया जा सकता है नॉलेज को टीच करने के लिए, बायो को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, आप कहोगे उसको ऑडियो विजुअल एड कौन सी बेटर है, ये वाली ऑडियो विजुअल डिफरेंट होंगी, अच्छा कौन कौन से सोर्स हैं, साइंस को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, ये पढ़ना है आपने, ये भूल जाइए कि अगर आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती थी, फिजिक्स डिफिकल्ट लगती थी या बायो डिफिकल्ट लगती थी तो बायो यहां पढ़नी है, नहीं उसके मेथड्स पढ़ने हैं। यहां पर ये हो गया जी, अच्छा तो यहां पर ये डिफरेंस जो मेन है कि जो पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट है, आइसोलेटेड मीन ये फिजिकल साइंस अकेली, ये एक, दूसरा फिजिकल लाइफ साइंस अकेली अकेली, ठीक है, ये दूसरी अप्रोच क्या है कि इंटीग्रेटेड हो जाते हैं जिसमें 1+2 फिजिकल साइंस सॉरी केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो, केमिस्ट्री प्लस सॉरी बायो प्लस फिजिक्स, ये दोनों मिलके बन गए। अगर अलग अलग हैं तो आइसोलेटेड सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या सेपरेट सब्जेक्ट है। अगर ये दोनों मिल गए हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री प्लस बायो मिल गए, है ना, सॉरी बायो, तो ये मिलके बनेंगे अब साइंस, ये डिफरेंस है। अब जहां भी साइंस शब्द आता है वहां इट मींस कम से कम दो साइंसेज को मिलके जो मेथड्स टीच किए जाएंगे सब्जेक्ट, तो ये जो साइंस एंड लाइफ साइंस ये वाले वर्ड हैं ये बीएड में यूज किए जाएंगे, पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ साइंस, है ना, तो ये अगर सिंगल है तो इधर आ गया, अगर इंटीग्रेटेड है तो दूसरी तरफ आ गया। अच्छा अब क्या है कि जो इंटीग्रेटेड है वो उससे आप एलिजिबल होते हो टीजीटी के लिए, टीचर के लिए,
टीजीटी कौन सा टीचर होता है जो सिक्स्थ से टेंथ तक जिसने टीच करना होता है। इट मींस अगर आप साइंस के पेडागॉजी ऑफ साइंस ली है तो आप टीचिंग टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, सिक्स्थ से टेंथ तक एलिजिबल हो रहे हो। दूसरी तरफ आइसोलेटेड स्पेसिफिक या सेपरेट सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल पेडागॉजी ऑफ लाइफ साइंस, ये आप एलिजिबल होते हो पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये 11वीं और 12वीं क्लास को टीच करने के लिए। यहां पर मेजर डिफरेंस है। इट मीन ये स्कूल लेक्चरर है, ये मास्टर कैडर के जो स्टूडेंट है। नेक्स्ट बात क्या है कि ये पीजीटी के टीचर लगने के लिए आपको पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन टीजीटी के टीचर लगने के लिए आपको अकेली ग्रेजुएशन ही काफी है। हाँ, और इनमें डिफरेंस जो है कि गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी है, जो मार्क्स इन ग्रेजुएशन में 55% चाहिए पंजाब में और केंद्रीय विद्यालय में 50%। ईयर कितने पढ़े हुए होने चाहिए वो सब्जेक्ट, 3 साल ही, ये भी 3 साल ही, यहां कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये दोनों ही इलेक्टिव चाहिए, यस इलेक्टिव चाहिए, इलेक्टिव चाहिए। तो इन डिफरेंसेस को एक बार हम ऐसे डायग्राम सिंपली वैसे पढ़ लेते हैं। ये मैंने पॉइंट इनको बना रखा है, जल्दी जल्दी बस एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। नंबर एक के पेडागॉजी ऑफ टीचिंग लाइफ साइंस और है ना, तो इंटीग्रेटेड कौन सा हुआ, लाइफ साइंस के फिजिकल साइंस के साइंस, साइंस इंटीग्रेटेड हो गया है ना। आइसोलेटेड कौन है, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस। यहां पर लाइन आप खींच सकते हो, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ओके, ये आइसोलेटेड हो गया। अब बीएड में कौन सा है, बीएड में अगर पेडागॉजी, ये बीएड के शब्द हैं, पेडागॉजी ऑफ लाइफ साइंस, पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागॉजी ऑफ साइंस, ये बीएड के शब्द यूज हो रहे हैं। ओके, बीएससी के नेम क्या है, लाइफ साइंस का क्या है यहां नाम, बायो, ठीक है, इसका फिजिकल साइंस का क्या है, फिजिक्स, ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी फिजिकल साइंस है, और साइंस के लिए इसके लिए तो ये टोटल डिग्री होती है होल, ये बीएससी होल नेम है ना, बैचलर ऑफ साइंस, ये पार्ट्स है उनके। अच्छा, स्टडी क्या करते हैं, लाइफ साइंस में जब आप बीएड में हैं तो आप मेथडोलॉजी जो स्टडी करते हो, मेथड्स ऑफ टीचिंग, यहां भी मेथड्स ऑफ टीचिंग, यहां भी मेथड्स ऑफ टीचिंग। जब आप बीएड में हो तो आप कंटेंट 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 लर्न करते हो। अच्छा, टीजीटी कौन सा है, लाइफ साइंस टीजीटी है, नहीं ये है, कलर बदल ले, ये वाला, ये है, यहां पर लाइन लगाता हूं, लाइफ साइंस क्या है, पीजीटी, फिजिकल साइंस क्या है, पीजीटी, और साइंस क्या है, टीजीटी, ये डिफरेंस है नेचर। अच्छा, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आगे चल के देखते हैं, क्वालिफिकेशन को मैंने काफी डिवीजन की हुई है, उनको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब आपको मेरे ख्याल में अगर फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, ये रहा, कैन टीच टू 11th and 12th, फिजिकल साइंस 11th and 12th, कैन टीच टू 6th to 10th क्लास, ये क्लासेस हैं। ओके, जॉब अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स और लेस नंबर ऑफ, कम होते हैं फिजिकल साइंस के आइसोलेटेड के, कम है मोर, एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूं, 1000 के पीछे 800 के पीछे यहां पर 20 30 है ना, इतनी 40 इतनी होगी, ये नंबर कम होंगे। स्केल इसका हायर होगा, स्कूल लेक्चरर है ना, इसका भी हायर होगा, इसका इससे कम होगा, लो होगा इससे, ठीक है। टीईटी और जॉब सिलेक्शन टेस्ट, जो लाइफ साइंस है 10+1 to 10+1 के लिए जॉब सिलेक्शन टेस्ट होता है, सीधा सीधा जॉब सिलेक्शन टेस्ट, जॉब सिलेक्शन टेस्ट, जो साइंस है उसके लिए टीईटी
प्लस जॉब सिलेक्शन टेस्ट भी हो सकता है, कई स्टेट में होता है कई में नहीं होता है जॉब सिलेक्शन टेस्ट। तो टीटी यहां पर कंपलसरी होगा अगर आपने साइंस किया। रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ साइंस के लिए पीजी चाहिए, फिजिकल साइंस के लिए पीजी चाहिए। इट मींस आपकी यहां पर बायो से रिलेटेड वो चाहिए। कलर बदल रहे, ये बायो से रिलेटेड हो गई है ना, और यहां पर आपकी केमिस्ट्री और जहां फिजिक्स, इसकी भी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। मार्क्स इन पंजाब कितने चाहिए, 55। अच्छा यहां पर रह गया ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, यहां पर ग्रेजुएशन ही चाहिए। तो ये रहा, यहां मार्क्स कितने चाहिए, यहां 55 है। लेकिन जब आप सेंट्रल जॉब में जाते हो फॉर एग्जांपल केंद्रीय विद्यालय में, तो 50% चाहिए, 50%। ये बात रखिए कि ये इसकी अलग से वीडियो दे दूंगा, क्योंकि ये स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वेरी हो सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के सीधे अभी तक मुझे नहीं मिले, हाँ ग्रेजुएशन के श्योर है कि ये डिफरेंस है 55 का और 50 का। नेक्स्ट है ईयर ऑफ स्टडी, हाँ तीन, इनके भी तीन साल बड़े, हाँ नहीं आपका जो है लाइफ साइंस है पोस्ट ग्रेजुएशन में के 2 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल, है ना। एक और कंफ्यूजन है कुछ स्टेट में कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स की हुई है, लेकिन वो 3 साल ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट इलेक्टिव पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यही है, क्या आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो तो बेटर है, ये बेटर है कि फिर आप जॉब के लिए पक्का एलिजिबल हो। इट मीन्स ये भी यहाँ टिक आएगा, ये भी यहाँ टिक आएगा, फिजिकल साइंस के लिए भी आपको इलेक्टिव वो पढ़ी हो, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन अगर बीएससी की हुई है तो नेचुरली पढ़ी हुई है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर किसी और नॉर्मल अबनॉर्मल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसमें आपने कोई फिजिकल साइंस या बायो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो 3 साल ये पढ़े हुए होना चाहिए इलेक्टिव, हाँ ये भी इलेक्टिव पढ़ा हुआ होना चाहिए साइंस। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस एंड पेडागोजी ऑफ साइंस। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन आपको हो, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अगर सोशल स्टडीज, इनमें भी डिफरेंस समझने हैं आप एक बार सजेस्ट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। थैंक यू।